गाइस ये है हमारे पास में आज वीवो T3 Pro 5G स्मार्टफोन और इसमें जो कैमरा का सेटअप है वो भी काफी कमाल का है। और इसी वाले फोन के अंदर में जो कैमरा ऐप मिलता है आपको उसमें भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं हिडन वाले भी, और आपको मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट क्लिक करने वाले हैं। और आप ये जो कैमरे में लाइट देख रहे हैं इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, तो सारा कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। सबसे पहले आपको ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कैमरा ओपन कर लेना है, और कैमरा ओपन करते ही आपको यहाँ पर मोर सेटिंग पे जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको मैं आपको एक एक करके इस्तेमाल करके भी बताने वाला हूँ आगे। बाकी आपको यहाँ पर फोटो में आना है और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मोर सेटिंग पे चले जाना है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाटर मार्क वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर इसे चालू कर लेना। चालू करने के बाद में आप देखेंगे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आर्टिस्ट सिग्नेचर पर क्लिक करूंगा, एड पर क्लिक करूंगा और अपना खुद का जो सिग्नेचर है वो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपना सिग्नेचर इस तरह से डालता हूँ, अभी बता तो नहीं सकता हूँ, बाकी आप इस तरह से अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और आप सेव कर लेना। इसके बाद में अपना जो सिग्नेचर है वो आने वाला है, और उसी को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मॉडल नेम दिखाना चाहते हैं, डेट एंड टाइम दिखाना चाहते हैं, बहुत सारा कुछ आएगा और आपका मॉडल नेम भी दिखने वाला है फोन का। इसके बाद में आप अपना नाम लिखना चाहते हैं नीचे साइड में, तो आप अपना नाम भी यहाँ पर से लिख सकते हैं। बाकी हम इसे बैक कर देते हैं, तो आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसे मैं बंद करके यहाँ पर बैक आ जाता हूँ अगली फीचर्स के लिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला मोशन ऑटो फोकस वाला, इसमें क्लिक करिएगा। यहाँ से ये देखो दोनों पहले से डिसेबल रहते हैं, तो इन दोनों को आपको चालू कर लेना है। और ये देखो ये वाला जो फीचर्स है ना, मैंने आपको पहले से ही इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है 30+, उसमें मैंने बहुत सारे AI वाले फीचर्स और इसके 30+ फीचर्स बना के रखा है, तो वो वीडियो देख लेना। अभी मैं इसे हटा देता हूँ और आप यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर ऑटो फोकस में ये दोनों ऑप्शन को चालू कर लेना है। अब चालू करने के बाद में देखो आप ना यहाँ पर ऑटो फोकस करा सकते हैं या मैनुअल फोकस कराना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये देखो कैमरे में इतने सारे हिडन फीचर्स होते हैं जो कि आपको पता नहीं होते हैं, इन दोनों को आप चालू जरूर से कर लेना। बाकी हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं गाइस सेटिंग के अंदर में, और इसी तरह के और भी हिडन फीचर्स मैं आगे बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मोर फीचर्स की। मोर फीचर्स में आना, सबसे ऊपर साइड में आपको 50 मेगापिक्सल वाला हाई रेजोल्यूशन मोड मिल जाता है, जिससे कि आप एक हाई रेजोल्यूशन में 50 मेगापिक्सल फोटो क्लिक कर पाएंगे, तो इसे भी इनेबल कर लेना, जिससे कि आपकी नॉर्मल फोटो से उससे ज्यादा आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन और HD क्वालिटी में फोटो मिलने वाली है, तो इसे भी आप ट्राई कर लेना मोर सेटिंग में जाने के बाद में। यहाँ पर आपको अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है, यदि आप बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट फोटो क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर देखो सिर्फ डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक करता है और आई साइड का जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसकी फोटो क्लिक नहीं करता है, तो आप इसे भी एक बार ट्राई जरूर से कर लेना। बाकी मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर आपको फिर से मोड सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको पनो मोड मिल जाता है, पनो आपको मालूम ही है एक फोटो में ही बहुत सारी बड़ी फोटो लाना चाहते हैं आप, तो इस तरह से आप पनोरमा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसे काट देते हैं, मोर फीचर्स में आते हैं अगले फीचर्स के लिए। यहाँ पर आपको सुपर मून भी मिल जाता है, यदि आप ये देखो यहाँ पर से क्लिक करो और इस तरह का सुपर मून वाली फोटो क्लिक करना चाहते हैं 10x जूम में, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जूम 20x तक मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। नाइट में जाके आप सुपर मून की फोटो भी क्लिक कर सकते हैं इस वाले फोन में। अब यहाँ पर मोर फीचर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये डुअल व्यू वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। डुअल व्यू मतलब कि इसे चालू कर लेता हूँ और मेरा फ्रंट कैमरा भी चालू हो जाएगा, रियर कैमरा भी चालू हो जाएगा, मगर मैंने अभी कवर करके रखा है हमारा रियर कैमरा। तो आप ये जो डुअल व्यू को भी चालू कर सकते हैं यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों कैमरा से, तो वो आप यहाँ पर कर लेना। आपको यहाँ पर लाइव फोटो वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। लाइव फोटो मतलब कि गाइस आप फोटो क्लिक करते टाइम में क्या कर रहे हैं करके वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने एक फोटो क्लिक किया, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैंने देखो इसमें पासवर्ड भी डाल के रखा है, फिंगरप्रिंट अपना सेट करके रखा है गैलरी में, उस वाली वीडियो को मैंने पहले ही बना दिया है जो कि आपको मैंने बता दिया। अब देखो ये जो हमारी फोटो है, अब इसे ऐसा प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आवाज भी आएगी आपकी, और जो बैकग्राउंड में आपका हल रहा था ना, इस तरह से मूव कर रहा था बैकग्राउंड, वो भी दिखने वाला है। तो इसे चालू कर लेना, कभी कभी आपको नीड पड़ जाती है आप फोटो क्लिक करते टाइम किसकी आवाज आ रही थी या फिर क्या मूव हो रहा था करके, तो वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर प्रोफेशनल मोड मिल जाता है, प्रो मोड करके, मतलब कि गाइस जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं जो DSLR चलाते हैं और अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, ISO कम ज्यादा करके यहाँ पर ISO कम कर सकते हैं आप, अपर्चर कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस वाइट बैलेंस आप कम ज्यादा कर सकते हैं,
वो सारा कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। मैन्युअली आप एक अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पर आना मोर सेटिंग में और आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको स्लो मोशन टाइम लैप्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 1080p और 120fps में शूट कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग आपको मोर फीचर्स में मिलते हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट की, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में आना और यहाँ पर आपको बहुत सारे लेंस मिल जाते हैं। ये देखो इस तरह के, ये देख सकते हैं आप, जो बैकग्राउंड आपका ब्लर होता है ना उसमें आप इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। यदि आपका कोई सब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मतलब कि आप स्पोर्ट वाली फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो इस तरह से ये काफी कमाल का है। इसे आप एक बार ट्राई जरूर से करना। और यहाँ पर आपको नेचुरल मिल जाता है, यहाँ पर आपको विंटेज वाला, फिल्म वाला मिल जाता है, आपको यहाँ पर प्रीटी वाला ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी हम नॉर्मल कर लेते हैं अभी। और स्टाइल है ये सारी कुछ, आपको यहाँ पर स्टाइल मिल जाती है। बाकी मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। देखो ब्यूटी मोड ना काफी कमाल का है, इसमें इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एडजस्ट करने के। और यहाँ पर पोस्चर भी मिल जाते हैं। पोस्चर मतलब कि गाइस पहले तो इंटरनेट चालू करना पड़ेगा एक बार। पोस्चर मतलब कि देखो आप ना ये इंस्टाग्राम में देखा होगा अलग अलग पोजीशन में फोटो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आप इस तरह की फोटो क्लिक कर सकते हैं, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं करके। तो एक बार इसे भी आप ट्राई जरूर से कर लेना। यहाँ पर पोर्ट्रेट में आना और यहाँ पर ये पोस्चर वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे चालू कर लेना। फिर यहाँ पर आर्टिस्ट मिल जाएंगे, फैशन मिल जाएंगे, क्रिएटिविटी मिल जाएगी। हमने अभी इंटरनेट चालू नहीं किया है। बाकी हम बैक आ जाते हैं यहाँ पर, और आपको 1x मिल जाता है और 2x भी मिल जाता है पोर्ट्रेट के अंदर में। और अपर्चर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो अपर्चर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैकग्राउंड ब्लर है ना वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। बाकी एक स्टेप बैक आता हूँ मैं, फोटो की बात कर लेते हैं अब हम। तो फोटो में आना आप, और फोटो में आपको यहाँ पर 2x मिल जाता है और 0.6x तक आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा, देख सकते हैं। मैक्सिमम जूम की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर 10x तक जूम कर सकते हैं फोटो के अंदर में। और यहाँ पर भी आप फिल्टर की बात करें तो वही आपको फिल्टर मिल जाते हैं यहाँ पर, देखो विंटेज वाले और ये जो हमारा ब्लैक एंड वाइट वाला, तो वो आप देख लेना। और फिल्टर तो ये जो नॉर्मल है वो देखने को मिल जाते हैं, बाकी इनको वीवो स्टाइल बोलता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो की बात कर लें तो वीडियो में हाई रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप क्लिक करना, 4K में आप ओनली 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका OIS है वो भी बंद हो जाता है। यदि आपको चालू करना है ये OIS, यहाँ पर अल्ट्रा में कर लेना। अल्ट्रा में करते ही आप देखेंगे 1080p 30fps में ये वीडियो शूट करता है। यहाँ पर आपको ऊपर साइड में ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी गाइस वीडियो के अंदर में आप अपर्चर की बात करें, आप बैकग्राउंड ब्लर वाली भी वीडियो बना सकते हैं, मतलब कि जो पीछे का बैकग्राउंड होता है ना वो ब्लर वाली वीडियो आप शूट करना चाहते हैं तो वो भी आप शूट कर सकते हैं। मगर उसके लिए 1080p 30, मगर उसमें आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर साइड में 720 30fps में बस वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, यदि आप बोके वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो। बाकी इसे मैं बैक कर देता हूं यहां पर, और आपको ब्यूटी मोड मिल जाते हैं वीडियो के अंदर में, और यहाँ पर आपको फिल्टर भी मिल जाते हैं वीडियो के अंदर में, जो मूवी लट्स है ना वो मिल जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर साइबर पंक डार्क वाला। अब गाइस यहाँ पर आपको ना नाइट मोड डेडिकेट मिल जाता है, और नाइट मोड के अंदर में आपको अलग से ही फिल्टर मिल जाते हैं नाइट वाले, तो आप इनको जरूर से ट्राई करना है। यदि आप नाइट में फोटो क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे जो फिल्टर हैं वो दिए गए हैं, देखो इतने सारे, तो आप इनको एक एक करके ट्राई जरूर से करना। नेक्स्ट गाइस आपको यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर किसी फोटो को हाइड करना चाहते हैं तो वो हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली हाइड करना है फोटो को, जैसे कि मेरी प्राइवेट फोटो है और इसे मुझे गैलरी में नहीं दिखाना है, तो मैं हाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको हाइड वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप हाइड कर लेना। आप इसे हाइड कर लेंगे ना तो फिर यहाँ पर वो वाली फोटो देखने को नहीं मिलेगी। आपको देखने के लिए ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये फोटो हाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। और आप चाहते हैं कि इसमें ना पासवर्ड वगैरह डाले तब जाके ओपन हो, तो फिर वो भी हो जाएगी। बट आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी हाइड फोटो है वो आ चुकी है, और आपको पासवर्ड डालना है तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को चालू कर लेना। अब इसमें देखो फिंगरप्रिंट लगेगा, तब जाके ये जो हाइड वाली फोटो है फिर ओपन होने वाली है। और गाइस यहाँ पर आपको ना AI इरेजर भी मिल जाता है, यदि आपका कोई सब्जेक्ट है उसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इस वाली फोटो में मुझे ये कुछ यहाँ पर से पार्ट को रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना और थोड़ा सा आप स्क्रॉल करना तो यहाँ पर ये देख सकते हैं AI इरेजर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इस तरह से आप ये स्मार्ट सर्कल करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर से कुछ पार्ट इरेज कर लेता हूँ, ये इतना मैं ये पार्ट इरेज कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर से ये जो हमारा बायर था ना वो इरेज हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो AI को भी आप इस्तेमाल कर लेना इसमें गाइस। और भी मैंने फीचर्स बताया है जिसकी वीडियो आपको डेडिकेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आपको यहाँ पर ना कैमरे के अंदर में इतने ऑप्शन मिलते हैं, बाकी आप सेटिंग में क्लिक करते हैं तो ऊपर साइड में इतने ऑप्शन मिलेंगे। आपको लेवल वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर शेक कितना कर रहा है वो देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ये जो येलो कलर का आ गया, जितना आप हलाएंगे वो उतना दिखेगा। इसी तरह से आप लेवल दिखाना चाहते हैं तो आपका फोन लेवल में है
या नहीं है वो भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी हम दोनों को बंद कर लेते हैं और आपको यहाँ पर इफेक्ट मास्टर मिल जाता है। यदि आप अपने फोन को एक हाथ से यूज कर रहे हैं, मतलब फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखो ब्राइट बैलेंस, आप एक्सपोजर वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से इतना ज्यादा हो गया ये। और आप लेफ्ट से राइट करेंगे तो आप कलर वगैरह इसका चूज कर सकते हैं, कितने ज्यादा आपको वाइब्रेंस चाहिए कलर वगैरह, वो आप सेट कर लेना इस तरह से देखो। बाकी अब हम मोर सेटिंग की बात कर लेते हैं। मोर सेटिंग में जाना, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि शटर पर क्लिक करना। आप शटर में तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि टच स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल जाता है। टच मतलब देखो आपने ये कैमरा ओपन किया और आपको यहाँ पर ऐसा क्लिक करना है और आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। देखो इस तरह से ये हमारी फोटो क्लिक हो जाती है। आपको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बटन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फोटो क्लिक हो जाएगी। तो आप इसे चालू कर सकते हैं। इसी की जगह में आपको ये वॉइस वाले भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चीज बोलेंगे अपने फोन को दूर रख के तो आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाएगी। चीज बोलेंगे और फोटो क्लिक हो जाएगी। और यहाँ पर आपको शो पॉम वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, शो पॉम को भी आप चालू कर सकते हैं। आप सेल्फी ले रहे हैं और ऐसा हाथ दिखाएंगे दूर से ही तो जो आपकी फोटो है ना वो क्लिक हो जाने वाली है। तो कई सेटिंग के अंदर में इतने आपको फीचर्स मिलते हैं और कई सेटिंग के अंदर में आपको ना क्विक एक्शन फोर कैमरा भी मिल जाता है। आप इसे चालू करना, चालू करने के बाद में ये जो हमारी वॉल्यूम डाउन बटन होती है ना, इसे आपको डबल प्रेस करना है आपका फोन बंद रहता है तो। जैसे कि आपका फोन बंद है, आपको जल्दी से कैमरा ओपन करना है तो आप ये जो वॉल्यूम डाउन बटन को जल्दी से दो बार प्रेस करना और आपका कैमरा चालू हो जाएगा। देख सकते हैं आपको जल्दी से फोटो क्लिक करना है तो आप अपने फोन को निकालो जेब से और डबल बार ऐसा प्रेस करो वॉल्यूम डाउन बटन को और आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाता है। अब गाइस आपको जो कैमरे में रिंग लाइट देखने को मिल रही है, इसे आप लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन। क्रोम ब्राउजर में जाके इसे डाउनलोड कर लेना। सारा कुछ सेटअप करने के बाद में आप इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपका ना जो रिंग लाइट है वो लग जाएगी। फिर आप कहीं पर भी जाके देखेंगे तो इस तरह का रिंग लाइट देखने को मिलेगा कैमरे में। तो इसे आप लगा लेना अपनी मर्जी से। तो गाइस ये थे हमारे कैमरे के स्पेशल फीचर्स। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे 100 के बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। और गाइस इसी के स्पेशल फीचर्स वाली वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, इसे क्लिक करके जरूर से देख लेना।